कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन का झटपट बनने वाला चिकन कड़ी। ठीक है, ये मैं कैसा बनाती हूँ मेरे तरीके से, चलो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाह करती हूँ। पहले तो ये देखो, ये मसाले ना मैंने ये एक फुल भर के चम्मच नमक लूँ और एक मतलब हाफ चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर होममेड जो घर का, और ये लाल मिर्ची पाउडर है ये है 1.5 चम्मच, और ये घर की कुटी हुई तीखी वाली मिर्ची है, और ये फिक्की कश्मीरी मिर्ची है जो कलर के लिए 1 चम्मच है, और ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, और ये कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला या मटन मसाला वो, और ये 2 चम्मच फुल भर के अदरक लहसुन है, और ये 4 कांदा है जो मैंने पेस्ट बना के लिए, ये मैंने 7 टमाटर का ऐसा पेस्ट बना के लिए प्यूरी। ठीक है, और ये हरा धनिया है, और ये कड़ी पत्ता है। ठीक है, और ये चिकन है मेरा 3 पाव। ठीक है, और यहाँ मैंने तेल रखती हूँ गरम, तेल गरम हो चुका है मेरा अच्छे। ठीक है, अभी अदरक लहसुन अच्छा भून गया है, अभी जो मैंने प्याज दी ना पिसी हुई वो इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, प्याज को भी अच्छा डाल के इसको मिक्स करने का। प्याज टमाटर और अदरक लहसुन ये तीनों अच्छा भून के लेने का, एक साथ डालने का, ऐसा नहीं कि अलग अलग भूनने का। ये मैंने मेरे तरीके से बना रही हूँ, ये जो चिकन कड़ी है ना ये मैं मेरे तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो चिकन कड़ी बहुत तरीके से बनाई जाती है ना, ये मेरे तरीके से बना रही हूँ, मैं आपको मेरा तरीका बता रही हूँ। अभी ये झटपट बनती फटाफट, और माशाल्लाह खाने में बहुत टेस्टी लगती। ठीक है, अब ये तीनों को इतना अच्छा भूनने देने का कि जैसा अपना जो टमाटर का कांदे का और जो अदरक लहसुन का तो पानी सूख गया था, टमाटर का कांदे का पानी सूखे तक इसको भून के लेने का। ठीक है, पूरा तेल हम लोग जितना डाले ना उतना पूरा तेल निकल के आना चाहिए, उतना भून। देखो ये जो मैंने मसाला भुनने रखी थी ना माशाल्लाह से अच्छा भुनेगा। ठीक है, ये जो साइड से दिख रहा है आपको तेल निकल के आया पूरा, इस तरह से भुनेगा ये मसाला है ना, ताकि जो हमारा जो मसाला हमने ये करे ना, बिस्मिल्लाह, ये सूखा मसाला जो भी ली थी मैंने, नमक हल्दी मिर्ची ये सब डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर, ये बहुत अच्छा बनता है चिकन कड़ी। एक बार बनाओ आप, ये जो चिकन है ना इसी के साथ चिकन भी डाल देती हूँ, इसमें कुछ भी ज्यादा मसाले जाते नहीं, ये अपने पाउडर मसाले और ये मसाले के साथ ही सालन बनता है। ठीक है, अभी मैं ना ये जो चिकन डाली हूँ, अब ये जो कड़ी पत्ता ली हूँ ये भी डाल देती हूँ, अब जो मटन मसाला ली हूँ वो बाद में डालूंगी मैं, चिकन ने जो गलने के बाद फिर मटन मसाला डालूंगी मैं। ठीक है, अब ये थोड़ा चिकन गलने को दूंगी, इसका लिक्विड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ, अब इसको जरा चिकन पके तक छोड़ दी। ये जो मैंने चिकन डाल के रखी थी ना सालन को, मसाला माशाल्लाह चिकन भी गल गया है, थोड़ी सी कसर बाकी है, जो हमें बॉईल आने के लिए पानी डाल के रखेंगे ना तो वो कसर पूरी हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें जो ये मैंने चिकन का मटन मसाला लियो ना, चिकन का मसाला वो डाल दूंगी, ये मेरा 1.5 चम्मच है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये थोड़ा हरा धनिया भी डाल दूंगी और बाकी का बाद में डाल दूंगी, और आप अपने ये जो अभी दिख रहा है ना इतना भी रख सकते हैं, या तो फिर मेरे जैसा थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब मेरे को जितना लिक्विड चाहिए, सालन कड़ी बोलते हैं, कड़ी थोड़ा पतली ही रहती है ना चिकन कड़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा पतला करूंगी इसको। ठीक है, ये देखो और थोड़ा डालूंगी मैं, क्योंकि ये टमाटर और कांदे से ही बनी है ना, इसमें कोई खोपरा नहीं, काजू नहीं, कुछ नहीं डाली मैंने, ये देखो इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, अभी इसको बॉयल आए तक, ये चिकन तो गला है और बॉयल आए तक और थोड़ा गलेगा। ठीक है, इसको एक बॉयल आए तक छोड़ दीजिए। और देखो ये चिकन कड़ी जो मैंने पकने को रखी थी ना, इसको माशाल्लाह अच्छे से उबाल आ गया अभी। ठीक है, ये देखो ये अच्छे से अब चिकन भी गल गया, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आज मैं बनाई हूँ सिंपल झटपट बनने वाली चिकन कड़ी। ठीक है, अगर ये आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो, और आपको कोई नई डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।